अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जायका सहनाज का। तो आज मैं आपके लिए एकदम से क्विक रेसिपी बना के बताऊंगी, जो कि 5 मिनट के अंदर ही आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला जो है सैंडविच है, बहुत ही यम्मी लगता है। तो चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के सारे मज़ेदार रेसिपी आप सबसे पहले देख पाएंगे। और ये रेसिपी आप एंड तक देखें, रेसिपी को फॉलो करें। अगर वीडियो रेसिपी दोनों पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो ये यम्मी सा मज़ेदार रेसिपी जो है खाने में जितना ही टेस्टी है, बनाने में उतना ही कम टाइम है, कम टाइम में बन जाता है। ये झटपट आप इसे बना के अपने बच्चों को टिफ़िन में डाल के दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है और बच्चे इसे बहुत ही खुशी से एंजॉय करके खाते हैं। तो फिर देर किस बात की है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सैंडविच। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और इसमें चॉप किया हुआ हाफ ऑनियन, मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का एक ऑनियन डाल दिया है। आप चाहें तो बड़े साइज़ के हाफ ऑनियन भी डाल सकते हैं। तो अनियन को अच्छी तरह से चॉप कर लें, साथ में एक कैप्सिकम को भी मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है बारीक बारीक, 7 कैप्सिकम डाल देंगे। और अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज के टमेटो ऐड कर रही हूँ, टमेटो को इसी तरह से चॉप कर लें। साथ ही डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून जो है चिली फ्लेक्स, और जो है हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के जो है वेज मायोनीज डाल देंगे। और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसको बनाने के लिए क्या होता है ना ही आपको गैस जलाने की ज़रूरत है और ना ही कुक करने की ज़रूरत है। देखिए फटाफट से मिक्स हो गया है। अब ब्रेड की स्लाइस ले लेंगे, तो मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ का जो सैंडविच ब्रेड आता है उसे यूज़ किया है। और ब्रेड के जो साइड के स्लाइसेस हैं, जो साइड के कॉर्नर साइड के हैं, उसको हटा लेंगे हम कट करके। ये जो सैंडविच है आप चाहें तो बच्चों को भी कट करके दे दीजिए, वेजिटेबल्स वो भी खुद बना सकते हैं, बहुत इजी है। तो इसी तरह से सारे ब्रेड के जो कॉर्नर हैं मैंने हटा लिए हैं। अब चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें एक सैंडविच के लिए 3-3 ब्रेड चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले एक ब्रेड पे इस तरह से टमेटो सॉस जो है हम लगा देंगे, या फिर सब टमेटो केचप भी आप लगा सकते हैं। तो दोनों ब्रेड पे ही हमें लगाना है अच्छी तरह से। अगर आप इसकी जगह ग्रीन चटनी भी लगाएंगे तो भी बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास टमेटो केचप है तो आप इंस्टेंट जल्दी से लगा दें, हो जाता है ये। तो अब एक ब्रेड के ऊपर हमने जो इसका जो मिक्सचर तैयार किया था मेयोनीज के साथ वो डाल देंगे। इस तरह से आप रख लीजिए, आपको जितना पसंद है आप उतना भर के इसमें रख लीजिए। उसके बाद और एक ब्रेड का स्लाइस लेना है, इस पर भी टमेटो सॉस या टमेटो केचप लगा देना है अच्छी तरह से। तो अब इस तरह से हमें बंद करना है और उसके ऊपर वाले हिस्से में भी हमें जो है टमेटो केचप लगा लेना है अच्छी तरह से। और अब ऊपर फिर से हम वेजिटेबल रख देंगे हमने जो मिक्स करके रखा था, और ऊपर एक चीज के स्लाइस रखेंगे। ये बहुत ही यम्मी होता है, चीज की वजह से बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद भी आता है। तो उसके ऊपर लास्ट वाला ब्रेड का स्लाइस रख देना है और अच्छी तरह से हाथों से सेट कर लेंगे और बीच से कट कर लेंगे हम। इस तरह से सैंडविच का शेप दे देंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी। तो इसको बनाने में आपने देखा होगा 5 मिनट से ज़्यादा लगा ही नहीं है। फटाफट से बनाएं और टिफ़िन में डालें और बच्चों को स्कूल भेज दें। या फिर आप अगर ब्रेकफास्ट बनाने में लेट हो गए हैं तो आपको भी ये फटाफट से बना के आप भी इसे खा के इंजॉय कर सकते हैं, या फिर अपने हस्बैंड को ऑफिस के लिए भी टिफ़िन में पैक करके दे सकते हैं।
बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है ये, देख के ही आप समझ गए होंगे कितनी यम्मी सा ये जो सैंडविच बन के तैयार हुआ है, चीज़ी और भेज वाली। तो चलिए जल्दी से फटाफट से ये रेसिपी ट्राई करिए, 5 मिनट वाली रेसिपी। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलूंगी इसी तरह के नए और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।